सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस को ना मैंने कुछ कैटेगरी में कैटेगराइज किया। पहली कैटेगरी क्या है इसमें, जब एंगल्स ऑफ ट्रायंगल दे रखे हैं किसी रेशियो में या कुछ करके और हमसे साइड्स का रेशियो या साइड्स के बारे में कुछ पूछा गया, ठीक है। तो मैंने उसमें ना क्वेश्चन लिखा, पहला ये एनडीए वाली आर एस अग्रवाल से 7th क्वेश्चन आता है, एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर इन द रेशो 1:2:3। तो एक एक्स मान ले, दूसरा 2x मान ले और तीसरा 3x मान ले, तो तीनों का सम कितना आएगा, 180 आएगा ना। यहाँ से x कितना हो जाएगा, 30। द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, फॉर्मूला लगा दें, a अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी एंड सी अपॉन साइन सी। ए कितना है पता नहीं, देखो एक एंगल x है यानी कि 30, दूसरा 2x है यानी कि 60 और तीसरा क्या जाएगा 90। तो साइन 30, बी अपॉन साइन 60 एंड सी अपॉन साइन 90। देखो ए अपॉन साइन 30 कितना होता है 1/2, ठीक है, साइन 60 कितना होता है √3/2 एंड साइन 90 कितना होता है 1। अब यहाँ से 2 हटाएं तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा, पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करा लो, तो ये क्या आ गया ए अपॉन 1, बी अपॉन √3 और ये आ गया सी अपॉन 2। तो साइड्स का रेशो क्या आएगा, 1:√3 रेशो, ये साइड्स का रेशो आ जाएगा। क्या फॉर्मूला यूज़ किया हमने, साइन का। अगला क्वेश्चन, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर, तो एक ट्राइंगल है उसका एंगल ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, देन द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखो ए अपॉन साइन ए यानी कि 45, बी अपॉन साइन बी एंड सी अपॉन साइन 75। साइन 45 इज 1/√2, बी अपॉन साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 75 कितना होता है, ये होगा √3 + 1/√2, √3 + 1/√2, ठीक है। इस पूरे को ना 2√2 से मल्टीप्लाई करा दो, जब पूरे को 2√2 से मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या जाएगा 2, बी अपॉन ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 आ जाएगा यानी कि √6 हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा 2√2 पूरा में खत्म हो जाएगा, तो √3 + 1। तो साइड्स का रेशो, द रेशो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या आ गया, 2:√6:√3 + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो दिस, तो 3x + 4x + 5x कितना हो गया 180, 5, 4, 9 और 3 कितने हो गए 12, 12x इज इक्वल टू 180, तो x कितना हो गया 15, तो 3x कितना हो गया, एक एंगल 45 हो गया, एक एंगल कितना हो गया 60 हो गया और एक कितना हो गया 75, सही है। देन द, इन्होंने कहा देन द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट साइड, जो लीस्ट एंगल है उसके अपोजिट साइड क्या होगी, लीस्ट यानी कि a अपॉन साइन 45 एंड c अपॉन साइन 75। भाई साइन 45 कितना होता है 1/√2 एंड साइन 75 क्या होता है √3 + 1/√2। पूरी इक्वेशन को क्या करो 2√2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ नीचे मल्टीप्लाई, मतलब समझ रहे हो तो मैं क्या कह रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा a अपॉन 2√2/√2, c अपॉन 2√2 और ये √3 + 1/√2, ये बोल रहा था मैं, ये कैंसिल हो गया, तो a अपॉन 2 इज इक्वल टू c अपॉन √3 + 1, तो रेशो कितना आ गया 2:√3 + 1।